शोभा परवाल क्रिएशंस में आज हम एक अनोखी टिप शेयर करने जा रहे हैं। यह टिप दही से रिलेटेड है। यह देखिए जमा हुआ दही है। इसके लिए हम पानी की जरूरत पड़ेगी और एक अलग बाउल हम रखेंगे तैयार। गर्मियों में हम अक्सर देखते हैं कि दही खट्टा हो जाता है। यह अनोखी टिप है जो बहुत से लोगों ने सुनी भी नहीं होगी और बहुत से लोगों को शायद इसकी जानकारी हो कि दही जब खट्टा हो जाता है तो उसे हम कैसे धुलाई करें या वॉश करें। खट्टा दही हम वॉश कर सकते हैं। यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि दही भी कोई ऐसी चीज है जिसे वॉश किया जा सकता है, लेकिन आज हम देखेंगे कि खट्टे दही का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। आज सुबह ही जमाया था और शाम 4 बजते-बजते हम देख रहे हैं कि दही काफी खट्टा हो गया है। अब इस खट्टे दही का क्या करें? तो इसको हम सबसे पहले वॉश करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा पानी डाल देते हैं। आधा कप के करीब हम इसमें पानी डालेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे सेटल होने देंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम यह जो दही है इसके ऊपर जो पानी है उसे हम इस बाउल में निकाल देते हैं। इस कटोरे में हम निकालेंगे, यह देखिए। अब दोबारा हम इस दही में फिर पानी डाल देंगे और इसे भी हम सेटल होने देंगे और इस पानी को भी हम निकाल लेते हैं। इस तरह से दही की खटास पर डिपेंड करता है कि दही कितना खट्टा है और कितनी बार इस दही को वॉश हम इस तरह से करें। अगर ज्यादा खट्टा है तो आप 3 से 4 बार इसे पानी डालकर वॉश कर सकते हैं। अगर कम खट्टा है तो आप 1 या 2 बार पानी डालकर इसे वॉश कर सकते हैं। इसी तरह से इस दही को वॉश करके हमने पानी जमा कर लिया है। यह देखिए, यह पानी जमा हो गया है। दही को वॉश करने के बाद जो पानी निकला है उसे या तो आप नमक, भुना जीरा, काला नमक, पुदीने के कुछ पत्ते डालकर और कुछ आइस क्यूब डालकर अच्छी छाछ बना सकते हैं जो पीने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है, और वरना आप इससे कढ़ी भी बना सकते हैं। दही को पानी से वॉश करने के बाद जो दही बच गया है आप उसे इच्छानुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। दही को वॉश करने वाली टिप आपको अगर मेरी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगता है। यह एब्सोल्युटली फ्री है। धन्यवाद।